दोस्तों, मैं हूं दिवाकर चौधरी और आज आपके सामने एक बार फिर से लेकर के आया हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा कट पर ज्योग्राफी की क्लास थर्ड। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स को, और प्लेट टेक्टोनिक्स को जानेंगे हम पहले सोलर सिस्टम बिग बैंग थ्योरी पर पृथ्वी की संरचना किस तरीके से हुई, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने अंतिम क्लास में जाना, और आज हम जानेंगे कि पृथ्वी पर किस तरीके से प्लेट्स का निर्माण हुआ और वो किस तरीके से हमारे भौगोलिक परिवेश को प्रभावित करती हैं। उन सब चीज़ों को हम आज जानेंगे। आइए दोस्तों, अपनी क्लास को बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो पृथ्वी सूर्य की कोरोना से टूट करके ही बनी थी, जैसा कि हमारा बिग बैंग थ्योरी का मानना है। बिग बैंग थ्योरी को माने तो पृथ्वी का केंद्र का तापमान उतना ही है जितना कि सूरज के कोरोना अर्थात बाह्य भाग का है। दोस्तों, इसी कारण से मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, ये मैंने जो बनाया है ये पृथ्वी का बाह्य परिवेश है, और ये आप इसको भूपरपट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी जो गहराई है वो 30 किलोमीटर है। ये भूपरपट्टी है। अंतिम क्लास को आप करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। दोस्तों, इसके नीचे ये मैग्मा चैम्बर है, ये जो यहाँ भरा हुआ है ये मैग्मा है, ये यहाँ पर मैग्मा है। दोस्तों, जो बाह्य परिवेश है इसका अगर घनत्व की बात करी जाए, यानी भूपरपट्टी के घनत्व की बात करी जाए, तो उसका घनत्व मैग्मा के घनत्व से कम है। जी हाँ, इसका जो घनत्व है वो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, या ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 है, और इस मैग्मा का जो घनत्व है वो 4.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो घनत्व है बाह्य आवेश का वो इसके मुकाबले कम। इस कारण से ये जो बाह्य आवरण है ये इस पर फ्लोट यानी कि तैरता है, और दोस्तों ये जो बाह्य आवरण है ये 6 मेजर प्लेट्स में टूट गया है, और इन्हीं को प्लेट भी बोला गया है। दोस्तों, ये 6 मेजर प्लेट हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से 6 मेजर प्लेट्स हमने बना ली, ये मान के चलिए प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, यहां ये प्लेट नंबर मान के चलिए 3 है, ये मान लीजिए प्लेट नंबर 4 है, ये मान के चलिए प्लेट नंबर 5 है, और यहां मान लीजिए कि ये प्लेट नंबर 6 है। दोस्तों, इनमें से कुछ प्लेट जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है और कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे मान के चलिए ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर आ रही है, ऐसे ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर आ रही है। तो दोस्तों, आप देखोगे तो प्लेट 6 और 1 एक दूसरे की तरफ आ रही है, और प्लेट नंबर 5 और 4 एक दूसरे की तरफ आ रही है, जबकि 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। दोस्तों, इस जाने के कारण से डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी और कंस्ट्रक्टिव यानी कि रूपांतरित यानी कि निर्माण करने वाली ऐसी प्लेटों का निर्माण हुआ है। तो आइए दोस्तों, उसको हम विस्तृत रूप में जानते हैं। दोस्तों, मान के चलिए यहाँ जो अभी आपने देखा था प्लेट नंबर 1 को और इधर 6 को, तो 6 इधर आ रही थी, 1 इधर इस ऊपर की तरफ जा रही थी, या जैसे भी उसमें हमने बनाया है। तो मान के चलिए ये एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है, और इसके नीचे ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है। ये प्लेट कोई मान के चलिए छठी प्लेट थी और ये पहली प्लेट थी, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। दोस्तों, जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी तो यहाँ पर एक दूसरे से टकराएंगी, जिसके कारण से निर्माण होगा यंग फोल्डेड माउंटेन्स का, यानी कि नए बने हुए पर्वतों का निर्माण इसके कारण से ही होगा। दोस्तों, इसके कारण से ही जब ये पर्वत बनेंगे तो इसके कारण से ही बनेंगे ट्रेंच, ट्रेंच यानी कि खाई, खाइयां भी इसके कारण से ही दोस्तों यहां पे बनेंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये वाला जो जोन है यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब हो गया ज्वालामुखीय उद्गम, यानी यहां से ज्वालामुखीय उद्गम मतलब यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, ये लावा यहाँ से बाहर भी आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो जोन है
ये एक अर्थक्वेक जोन रहेगा, अर्थक्वेक जोन रहेगा। अर्थक्वेक जोन का मतलब है यहां पर भूकंप के आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों इस तरीके से छठी और पहली प्लेट एक दूसरे से टकराई, इसके कारण से पर्वतों का और खाइयों का निर्माण हुआ, अर्थक्वेक का आना हुआ, ज्वालामुखीय उद्गम हुआ। इस तरीके की जो प्लेट्स होती हैं उनको कहते हैं विनाशकारी प्लेटें, विनाशकारी प्लेट। विनाशकारी प्लेट का मतलब हो गया डिस्ट्रक्टिव प्लेट। और दोस्तों इसके कारण से ही पर्वतों और खाइयों इत्यादि का निर्माण हुआ है। दोस्तों मान के चलिए ये दो प्लेटें हैं, ये दो कोई प्लेट हैं, और ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, नीचे मैग्मा भरा हुआ है और इसके ऊपर ये ठंडा ठंडा पानी है, समुद्र है। दोस्तों यहाँ से जब ये प्लेट इधर जाएगी और बीच में फासला बनेगा तो यहाँ से ये मैग्मा जो लावा है ये ऊपर आएगा। अब ये ठंडा ठंडा पानी है तो इसे ठंडा होगा और दोस्तों इसके कारण से निर्माण हो जाएगा टापू का, टापू का निर्माण होगा अर्थात आइलैंड्स बनेंगे। और दोस्तों चूंकि इन प्लेटों के कारण से टापुओं का, संरचनाओं का निर्माण होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं रचनात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेट यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स। और दोस्तों इसके कारण से ही आइलैंड्स का यानी टापुओं का निर्माण होता है। जैसे कि आप विश्व की सबसे लंबी संरचना अटलांटिक महासागर में, अभी इसके बाद हम बताने जा रहे हैं, वो बनी हुई है, उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि रचनात्मक प्लेटों का होना ही होता है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं यानी कि ये जो दरार हैं, ये दरार हमारे भौगोलिक परिवेश में यानी कि जहाँ पर महाद्वीप हैं वहाँ पर किस तरीके से प्रभावित करती हैं और क्या क्या सवाल हमारे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो बेहद ध्यान से इसको आप समझेंगे। दोस्तों मान के चलिए कि ये हमारा एशिया का भाग हम बना रहे हैं और यहाँ जब हम इस तरह ओर आएंगे तो साउथ अफ्रीका पहुँचेंगे, साउथ अफ्रीका पहुंच जाएंगे। साउथ अफ्रीका से निकलेंगे तो इधर की तरफ ये हमारा जो टर्की वाला भाग हो गया, और आप इससे इधर की तरफ आएंगे तो अरब सागर और फिर ये भारत, भारत आप पहुंच जाएंगे तो भारत, फिर ये वियतनाम वगैरह वाला भाग है यहाँ पर, ये हिस्सा है, और ये चाइना और ये रसिया फिर इधर की तरफ को बढ़ता चला गया है। तो यहाँ ये वाला भाग हमने ड्रॉ कर लिया दोस्तों, ये वाला भाग हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एशिया हो गया, यानी इसको यूरेशिया, यूरोप, यहाँ यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पे इंडिया आपको मालूम ही है इंडिया, यहाँ पे मान के चलिए ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ अंटार्कटिका को ड्रॉ कर लेते हैं, अंटार्कटिका को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ अंटार्कटिका को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका इधर आएंगे हम तो हमारा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की तरफ आप आ गए हैं, उत्तरी अमेरिका। इसके आप नीचे आएंगे तो दोस्तों ये हमारा साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका वाला भाग हो गया, यहाँ पर ये ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हो गया, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, और ये हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, कुल मिलाकर के ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको सात महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं विश्व भर के, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सातवां महाद्वीप है। दोस्तों इस पूरे विश्व के मानचित्र के अंदर अब हम जानेंगे कि किस तरीके से प्लेटों का निर्माण हुआ और क्या क्या प्रश्न हमारे पेपर के अंदर बन सकता है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की, यानी कि दो ऐसी प्लेट जो एक दूसरे से टकरा रही हैं और उसके टकराने के कारण से एक विनाशकारी प्लेट का निर्माण हुआ है और उसके कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण खाइयों इत्यादि का निर्माण है।
दोस्तों जब आप उस प्लेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो ये प्लेट दोस्तों यहाँ से गुजरती है और ये इस तरीके से यहाँ पर निकल जाती है। इस प्लेट का नाम है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट यानी कि मध्य महाद्वीपीय बेल्ट। दोस्तों यहां से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहां ये मेडिटेरियन सी वाला ये भाग है, मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर। और दोस्तों यहां पर ही इसी बेल्ट के कारण से एक ज्वालामुखी है और इसका नाम है स्ट्रैम्बोली। दोस्तों ये जो स्ट्रैम्बोली है इसको लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला गया है। इसको आप लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। पेपर के अंदर सवाल आता है कि बताइए लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी क्या है, तो लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी जो है स्ट्रैम्बोली को ही बोला गया है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पे है, भूमध्य सागर में है, यहीं पर इटली देश है और इसी बेल्ट के कारण से ये इधर की तरफ प्लेट आ रही है, यूरोपियन प्लेट, और इधर से ये इंडियन प्लेट इधर की तरफ जा रही है। तो यहीं पर इटली नामक एक देश है और वहाँ पर एक और वॉल्केनो है, उसका नाम है इटना। इटना भी इसी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के कारण से ही बना है, वो इटली देश में है। जब आप इसके आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं कि भारत में जो उत्तरी पर्वतमालाओं का निर्माण है लेकर के काराकोरम से और अंत तक शिवालिक तक, ये बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं। इसी के कारण से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर, अभी 51 मीटर काउंट है जब आखिरी जो गणना हुई है, तो ये विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ये यहाँ पर है। दोस्तों ये भाग इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो लगातार ये जो चोटियाँ हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, यानी इनकी ऊंचाई जो है हर बार बढ़ जाती है, 3 सेंटीमीटर तकरीबन ये प्रतिवर्ष बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो गई। इसको आप जानते होंगे तिब्बत में चोमलोंगमा बोलते हैं, भारत में हिमालय कहते हैं, और नेपाल में इसको सागरमाथा बोला गया है। इसके अलावा जब आप इधर आते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पर हमारा बंगाल की खाड़ी में हमारे भारत के कुल मिलाकर के 247 आइलैंड्स हैं, उन 247 में से 203 बंगाल की खाड़ी में है, और बंगाल की खाड़ी के जो 203 द्वीप हैं उनको इकट्ठा मिलाकर के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोला गया है। तो यहाँ पर ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बहुत सारे द्वीप हैं, मैंने बताया आपको 203 हैं, इसको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बोला गया है। तो अंडमान और निकोबार समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ये भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। और यहीं पर भारत का एक और ज्वालामुखी है, इसका नाम है नारकुंडम। जो नारकुंडम है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट वॉल्केनो है, ये सुसुप्त है, और ये बैरन हमारा एक्टिव वॉल्केनो है। दोस्तों आप जानते होंगे भारत के इधर अरब सागर है और अरब सागर में लक्षद्वीप नामक समूह और हमारे द्वीपों का है, उसमें 36 द्वीप आते हैं, बाकी के द्वीप अलग अलग हैं। कुल मिलाकर के 247 द्वीप, 247 द्वीप जो है हमारे भारत के अंडर आते हैं। दोस्तों यही हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा के लिए, जियो थर्मल एनर्जी के लिए मणिकरण प्रसिद्ध है। मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है? जियो थर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर गर्म पानी नीचे से निकलता है, तो वहाँ पर आप जानते भी होंगे कि चावल को पकाने का जो हमारा रिवाज है, तो यहाँ पर ये मणिकरण जो है ये इसी बेल्ट के कारण से बना है। आइए दोस्तों अगली बेल्ट की तरफ चलते हैं। और दोस्तों अगली बेल्ट है वो इधर से गुजरती है यहाँ पर। दोस्तों ये बेल्ट का नाम है परी प्रशांत मेखला, पेरी पैसिफिक बेल्ट। ये है परी प्रशांत बेल्ट। ये पैसिफिक ओशियन है यहाँ पर, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। तो ये बेल्ट है परी प्रशांत मेखला। और दोस्तों किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका में ये प्रभाव डालती है, आइए इसके प्रश्नों को भी हम जान लेते हैं। दोस्तों इस पेरी पैसिफिक बेल्ट यानी परी प्रशांत मेखला को रिंग्स ऑफ फायर, अग्निवलय भी बोला गया है। अग्निवलय यानी कि रिंग्स ऑफ फायर इसी को बोला गया है। दोस्तों रिंग्स ऑफ फायर बोला गया है इसको, अग्निवलय। इधर लिख देता हूं, शायद ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा, तो यहां मैं लिख देता हूं अग्निवलय बोला गया है, यानी रिंग्स ऑफ फायर इसको बोला गया है। दोस्तों
यहाँ पर इस नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर ये एक पर्वतमाला का निर्माण करती है। दोस्तों ये एक विनाशकारी प्लेट है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। जैसे हमारी वो विनाशकारी है, ऐसे यह भी एक विनाशकारी है, विनाशकारी बेल्ट है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। यानी कि दो प्लेटों के टकराने के कारण से ये बनी है। यहाँ पर ये एक माउंटेन रेंज है और इसका नाम है अलास्का माउंटेन रेंज, अलास्का माउंटेन रेंज। दोस्तों अलास्का माउंटेन रेंज पर जो है इस पर लगातार ज्वालामुखियों से धुआं निकलता रहता है और एक साथ तकरीबन 10,000 ज्वालामुखियों से धुआं निकल रहा है और इसी के कारण से इसको स्मोक्स वैली भी बोला गया है। स्मोक्स वैली इसी को बोला गया है। पूछ जाता है पेपर के अंदर कि बताइए सधूम्र घाटी किसे कहा गया है, तो सधूम्र घाटी जो है वो अलास्का माउंटेन रेंज को ही कहा गया है। यह उत्तरी अमेरिका में है। दोस्तों इसके नीचे रॉकी माउंटेन रेंज भी है। आपसे पूछ लेता है पेपर के अंदर बताइए रॉकी माउंटेन रेंज किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका में है, परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत बेल्ट पर है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पर पहुंच जाएंगे और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और इस सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है एंडीज यानी कि एंडीज पर्वतमाला और इसकी जो लंबाई है वो 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये विश्व की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, विश्व की सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, इसका नाम एंडीज है। दोस्तों यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी कैटापॉक्सी भी है। कैटापॉक्सी कौन से देश में है, तो इक्वाडोर में है। ये सक्रिय, ये कभी विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हुआ करता था, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हुआ करता था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर एक देश है चिली और चिली के बराबर में ये देश है इक्वाडोर। इन दोनों के बीच में एक और ज्वालामुखी है और इसका नाम है ओजेस डेल सैलेडो और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ओजेस डेल सैलेडो चिली और इक्वाडोर के बॉर्डर पर है। ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। दोस्तों भुतहा शहर एरिका भी यहीं पर है। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, इस साउथ अमेरिका को, मैं अलग अलग महाद्वीप को अलग अलग भी आपको पढ़ाऊंगा। एक एक महाद्वीप से तकरीबन 40-40 प्रश्न मैं आपको कराने जा रहा हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर एक ड्रेक दर्रा है जो कि साउथ अमेरिका को इस अंटार्कटिका से अलग करता है। तो ये काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। बहरहाल आपको परिप्रशांत मेखला से जो प्रश्न पेपर में आएंगे वो समझ में आ गए होंगे। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्लेट की ओर। दोस्तों आइए चलते हैं इस प्लेट की ओर और दोस्तों ये है जापान की दरार। जापान की दरार है दोस्तों, ये जापान की दरार, जापान क्रैक्स इसको बोला गया है, जापान क्रैक्स, जापान क्रैक्स इसको बोला गया है। ये यहाँ पर जापान देश है, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो है जापान देश है। जापान देश बहुत छोटे छोटे द्वीप समूहों से मिलकर के बना है और दोस्तों चूंकि ये पूरा का पूरा इस बेल्ट के ऊपर ही आ रहा है, इसलिए आप जानते हैं कि यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। ये भूकंपों से भरा हुआ शहर है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑल एक्स का, जापान का एक एक्टिव वॉल्केनो फ्यूजियाना भी है। फ्यूजियाना आपसे पूछ लेता है पेपर के अंदर, बताइए फ्यूजियाना जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है, तो वो जापान में है। दोस्तों इसके नीचे आप आएंगे तो आप फिलीपींस पहुंच जाएंगे। फिलीपींस, तो जो फिलीपींस है, फिलीपींस जो है वो 4000 आइलैंड्स, 4000 द्वीपों का एक समूह है। फिलीपींस जो है उसमें 4000 द्वीप हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना गर्त यानी मारियाना ट्रेंच वो यही है और इसकी जो गहराई है वो 11033 मीटर है, यानी तकरीबन 11 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये विश्व की सबसे गहरी खाई है और इसका नाम है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच यानी मारियाना खाई या मारियाना गर्त, इसकी गहराई है 11033 मीटर, यानी तकरीबन 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। दोस्तों अगर बात करें हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई की, तो वो फिर सुंडा खाई है। सुंडा खाई तकरीबन 7000 मीटर गहरी है। तो सुंडा खाई जो है, अगर आपसे पेपर के अंदर पूछे कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो मारियाना गर्त है, मारियाना ट्रेंच है। और अगर आपसे पूछता है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी कौन सी है, तो सुंडा खाई है, सुंडा गर्त। दोस्तों ये जो सुंडा खाई है, ये सुंडा खाई इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया यहाँ पर है, इंडोनेशिया जो है यहाँ पर द्वीपों का एक समूह है इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। और दोस्तों इंडोनेशिया के विश्व में सर्वाधिक द्वीप हैं और इसके द्वीपों की संख्या जो है वो 13000 है,
दोस्तों इसके सर्वाधिक द्वीप हैं। और अगर आपसे पूछे कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है और उसका नाम है सुंडा खाई, सुंडा गर्त, सुंडा ट्रेंच। ये सुंडा खाई जो है ये इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया जो है उसके सर्वाधिक द्वीप है। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे गहरी खाई, तो मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त। मारियाना गर्त कहाँ पे? फिलीपींस में है, फिलीपींस के 4000 द्वीप हैं। अगर हिंद महासागर की पूछे तो सुंडा खाई तकरीबन 7000 मीटर गहरी है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के विश्व में सर्वाधिक द्वीप हैं जिनकी संख्या 13000 है। दोस्तों आइए चलते हैं अगली ऐसी बेल्ट की ओर जो कि हमारे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में व्यवधान डालती है या फिर कहें तो कुछ ना कुछ भूमिका अदा करती है, तो वह बेल्ट है यहाँ पर। ये आप जानते होंगे कि ये जो हमारा ओशियन है इसका नाम है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन इसका नाम है। और यहीं से ये बेल्ट भी गुजरती है, यहीं से ये जो बेल्ट है ये निकलती है। ये हिस्सा इधर की तरफ जा रहा है और ये हिस्सा इधर की तरफ जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि ये एक रचनात्मक बेल्ट है, रचनात्मक है। इसका नाम है मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट यानी कि मध्य अटलांटिक का टक आप कह सकते हैं, मध्य अटलांटिक बेल्ट कह सकते हैं इसको। ये जो है विश्व की सबसे लंबी संरचना है दोस्तों, यहाँ इधर जा रहा है और अंदर से लावा आ रहा है, ऊपर समुद्र है तो टापुओं का निर्माण हो गया है। तो ये विश्व की सबसे लंबी संरचना है और इसकी जो लंबाई है वो 14000 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 14000 किलोमीटर है और ये विश्व की सबसे लंबी संरचना है। लॉन्गेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज मिड अटलांटिक बेल्ट, जिसकी लंबाई 14000 किलोमीटर है। दोस्तों ये बहुत सारे प्रश्न हमने आपको बताए हैं, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इधर हिस्सा जा रहा है और ये इधर हिस्सा जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो अटलांटिक ओशियन है ये लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, अटलांटिक ओशियन जो है ये लगातार फैल रहा है। अब जैसे आप जानते हैं कि भारत ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब भारत का हिस्सा हर साल 3 सेंटीमीटर कम होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि भारत का हिस्सा प्रतिवर्ष 3 सेंटीमीटर कम हो जाता है, क्योंकि यह बेल्ट ऊपर की तरफ जा रही है और ये इसी कारण से इनकी चोटियाँ जो है, जो पर्वत हैं इनकी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा ये जो वर्तमान में है ये ह्यूमन एज चल रही है, विश्व की जनसंख्या जो है वो 7 अरब को भी पार कर चुकी है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो पेपर में यहाँ से आ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपने बहुत इत्मीनान से और प्यार से देखा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों लगातार वीडियोज़ आएंगी, मैथ की वीडियो भी बस तैयार ही हैं, वो भी आपके लिए आने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे बढ़ाइए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कराइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।